अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल चंदौर स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है आपके लिए। अच्छा, इसकी भी रिक्वेस्ट काफी आ रही थी। GHGL, गनी ग्लास, ऑटसुका पाकिस्तान और गुलेमेट टेक्सटाइल। इसका गुलेमेट का मैं पहले भी कर चुका हूँ और मैंने रिकमेंड भी किया था कि लॉन्ग टाइम जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है और उसको डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करें आप। तो सबसे पहले चले आइए GHGL, गनी ग्लास, इसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, गनी ग्लास का देखें, अभी जो वीकली अगर हम देखें तो वीकली हाई इसका 67 का था। यहाँ पे ये वाला एरिया जो था, ये वाला 67 का एरिया, यहाँ पे हमने अच्छी खासी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि इसने राइट दिए थे 55% यहाँ पे ना, तो इसके बाद फिर ये यहाँ पे इसने थोड़ा यहाँ एक्यूमुलेट किया। ये बड़ा अच्छा एरिया था, इसका सपोर्ट एरिया था जो इसने तोड़ा। यहाँ इस एरिया को इसने अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया यहाँ पे, ये एरिया जो अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा और इसकी वीक ले लें, ये एरिया नेक लाइन जो सपोर्ट थी वो अब नेक लाइन रेजिस्टेंस में चेंज हो गई है। तो अभी इस वक्त जो 44 जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर परफॉर्म करता है तो अगेन ये 67 को अचीव कर सकता है, ये वाला टारगेट। अच्छा, अब इस वक्त जो फिलहाल करंट सिनेरियो में देखें तो अब ये वीक एंड होने वाला है, तो इसलिए मैं वीकली चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो वीकली पे देखें तो ये इस एरिया में, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके आपको बता दूं, इस एरिया में काफी ये एक्यूमुलेट किया है इसने, ये वाला एरिया जो है ये अच्छा स्ट्रांग, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ऑन वीकली चार्ट, 23 रुपए 94 पैसे या 24 रुपए समझ लें, तो ये एक अच्छा एरिया है। अच्छा, अभी इसने रिसेंटली जो है इसी वीक में ये हाई किया था 32 रुपए, ठीक है। तो ये इसका इस वक्त अभी जो है रेजिस्टेंस एरिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली पे भी फिलहाल यही है और वीकली पे भी यही है। इवन ये वाला जो एरिया है ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा अपसाइड पे ले जाऊं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये वाला एरिया ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 32 रुपए से लेके 34 रुपए तक। इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मिलती, क्योंकि देखे ना यहाँ पे एक बुलिश बेरिश कैंडल बनी है, तो इसके बाद इसके ऊपर कोई बेरिश कैंडल नहीं, बुलिश कैंडल नहीं बनी है। जैसे यहाँ पे बनी एक बुलिश कैंडल तो बनी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल ने इसको नेगेट किया, वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल अगर मैं जब बताता हूँ तो पूरे वीक में ये इसको सस्टेन करता रहा, ये वाला लेवल 34 रुपए का, और ये यही अगर मूव करता रहे 34 36 34 36 पे अगर क्लोजिंग आती है वीक की और नेक्स्ट कैंडल बन रही है ऊपर, वीक में देखें कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है 38 रुपए का, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर 44। एंड अगेन ये वाला लेवल भी आ सकता है 52 रुपए का, ये वाला लेवल भी रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे भी ये बना देता हूँ, ये वाला एरिया 51 रुपए 61 पैसे, ये एक टारगेट प्राइस फिर अगला हो सकता है। अच्छा, अभी इस वक्त देखें तो यहाँ सीपीआर को देखें तो सीपीआर इस वक्त भी श्रिंक हो रहा है, वीकली पे श्रिंक होना और लोअर साइड पे, तो इंडिकेशन तो यही होती है कि ये यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, यहाँ इस बैंड जो है, तीन बैंड जो है इसके सीपीआर के, उसका जो मैं आपको लेवल बताता हूँ, 29 रुपए 90 पैसे, 29 रुपए और 28 रुपए, मतलब ये समझिए 28 और 30 के दरमियान, ठीक है। क्लोजिंग अभी 30 रुपए 33 पैसे आई, लेकिन अपसाइड पे थोड़ी आई है, 29 रुपए 88 पैसे है, 30 रुपए के ग्राउंड है अपर बैंड, और अपर बैंड के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो यहाँ कहीं ये बीच में आके कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है, तो इन एरियाज में आप जो है थोड़ा सा यहाँ बाय कर सकते हैं 30 रुपए के अराउंड, ठीक है। थोड़ा यहाँ आप इस एरिया में बाय, अपनी इस एरिया, अच्छा ये मिडिल बैंड जो है ना, इसको देखना होता है कि यहाँ साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस एरिया में, या आप हो सकता है तो या आप इस एरिया में बाय कर लें 29 रुपए के अराउंड, 29 अच्छा है लेवल है, यहाँ पे आप बाय करके फिर आप उसको थोड़ा होल्ड रखें और देखें कि ये मेंटेन कर पाता है कि नहीं 28 रुपए, और इवन ये वीक भी बन सकती है यहाँ पे। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपके साथ शेयर करूँ, ये वाला एरिया ठीक है ना, ये जो बेरिश कैंडल है इसकी मैंने ये
नेक लेंथ सपोर्ट लिए, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर भी बाय, यहाँ तक भी बाय बनती है। अगर सीपीआर को नीचे क्लोज करता है तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, फिर इसके बाद आप होल्ड कर लें, फिर देखें अगर ये नीचे आ रहा है तो फिर थोड़ा साइडवेज हो जाए और वॉच करें कि कहाँ तक नीचे आता है। बहरहाल अगर इसका हम अभी अभी देखें क्वार्टरली तो अर्निंग अच्छी आई है, डिविडेंड भी इसने 10% दिया है क्वार्टरली। इससे पहले का क्वार्टर 39 था पैसा था और इसमें 1.40 रुपए, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। जब भी यहाँ से अपने शेयर्स की प्राइस में अप्रिसिएशन भी देखी है, लॉन्ग टर्म जो है पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत अच्छा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस लेवल पे लेके इसको आप होल्ड करें, तो आपको देखें इसमें आपकी इसकी हिस्ट्री काफी अच्छी बनती हुई आई है। यहाँ देखें आप कि 20% डिविडेंड, फिर इससे पहले 15%, 15%, 30% हो गया, 20%, 50%, 10%, 60%, 70% और 70% डिविडेंड और 19% बोनस दिया है अब तक। ये यहाँ से जब ये नीचे आया 56 में, तब तक की हिस्ट्री देखें डिविडेंड देता हुआ ही नीचे आ रहा है। और क्वार्टरली अर्निंग देखें सबकी, ईयरली छोड़े आप, क्वार्टरली में देखें तो 1.58 रुपए, 1.15 रुपए, फिर यहाँ पे 2.98 रुपए, 3.22 रुपए, ये अर्निंग अच्छी आई है। फिर यहाँ पे इसकी अर्निंग कम हो गई है, उसकी वजह यही थी कि ये एक तो इसने बोनस दिया था तो फिर नीचे आया, दूसरा फिर अर्निंग नीचे कम आई है तो और ये स्टॉक नीचे की तरफ परफॉर्म कर रहा है। उसका बॉटम ही तकरीबन ये है कि उसने 3-4 दफा इसको रिटेस्ट किया है। अगर वीक में देखें तो यहाँ काफी इसने एक्यूमुलेशन की है और अब इसने अपनी अप्रिसिएशन दिखाई है, तो आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में रखें आप। अच्छा, दूसरा स्टॉक है, ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर है ऑटसू का पाकिस्तान। अच्छा, इसका भी देखें तो बहुत टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन किया इस एरिया में और अच्छा सपोर्ट एरिया इसने इसको मेंटेन किया है, 73.40 रुपीज समझ लें कि ये अच्छा एरिया है यहाँ पे। इसका भी अभी वीकली पे देखें तो ये जो सीपीआर है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। आरएसआई इस वक्त 60 पर है और यहां से इसने मूवमेंट दिखाई अपवर्ड, तो आरएसआई जैसे वीकली पे 60 पे आ गया, डेली पे एक नजर डाल लेते हैं, डेली पे 58 पे, तो ये अगर 60 वीकली डेली 50 तकरीबन समझे इस वक्त साइडवेज ही है और इस एरिया में ये एक्यूमुलेट कर रहा है। ये वाला एरिया देखे ना, ये वाला एरिया ले लें हम अभी फिलहाल जो है, ये वाला एरिया 95.87 रुपए से लेके और ये वाला एरिया भी इसने रिटेस्ट किया है और यहाँ रिजेक्शन भी आई है, यहाँ देखें इस एरिया पे, तो ये इस वक्त अभी 113.85 रुपए, ये अभी रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे देखें पहले भी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई थी, ऐसी बात है जिन्होंने 73 रुपए में लिया उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है। अच्छा, इसका भी हम थोड़ा सा अगर नजर डालें वीकली पे दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, डेली पे एक और हम इसमें चीज अप्लाई कर लेते हैं, एमए 200 ले लेते हैं, मूविंग एवरेज मैंने ये प्लॉट किया हुआ है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैंने 200 किया हुआ है। तो इस वक्त अभी देखें तो ये स्टॉक जिस तरह मैंने अभी देखा ना, इसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें 95.87, ये इसका जो है अप ट्रेंड एरिया है, यहाँ पे बाय करना चाहिए 96 समझ लें, तो यहाँ पे बाय बनती है, यहाँ पे बाय करना चाहिए, अप ट्रेंड में है और इसको मेंटेन भी किया। अगर हम वीकली पे देखें तो इसने अच्छा मेंटेन किया है ये एरिया, ये वाला एरिया अगर हम देख लें 101 के ऊपर अभी देखें ना सीपीआर का जो, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, सीपीआर का जो लोअर लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है 101.27 रुपए, ठीक है ना, ये वाला एरिया। और अभी भी क्लोजिंग देखें तो 103 रुपए का अराउंड आई है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये वाला एरिया दोबारा ये रिटेस्ट करे 95 रुपए के दरमियान, और इवन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एरिया जो है 86.75, यहाँ पे एक अच्छी विक बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है 88 रुपए से, तो 88 रुपए से लेके 86 रुपए 87 रुपए तक ये अच्छा एरिया यहाँ पे
बाइंग लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे बाय आप कर सकते हैं। अच्छा वैसे हम इसका फंडामेंटल देखें तो इस वक्त अभी इसने 15% डिविडेंड दिया है और क्वार्टरली अर्निंग अच्छी इंप्रूव हुई है, 5 रुपए आई है, ठीक है। और इससे पहले क्वार्टर की 60 देखिए, -5 से और 5 आना बड़ी अच्छी बात है, क्वार्टर में एक जम करना इतना बड़ा जम देना, और इससे पहले माइनस में ही आई थी डिविडेंड 15%, मतलब ये अपने रिजर्व में से देता रहा है। लेकिन ऐसा देखें तो जीएचजीएल के मुकाबले में इतनी हिस्ट्री नहीं है 15%, और जिस हिसाब से ये मंथली पे डाल रहे थे, इसने हाई क्या किया था, हाई इसका हुआ था ओहो 419 रुपये, 420 रुपये का राउंड इसका ये हाई था। तो उसके बाद से जो है कि डिविडेंड को इतने अच्छे खास नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो स्पेकुलेशन पे चला है ये, और यहाँ पे इसने अर्निंग दी है क्वार्टरली की 1 रुपये 89 पैसे और 4 रुपये जो ईयरली दी है, तो इतनी खास अर्निंग, जब भी इसने इतनी बड़ी रिजेक्शन देखी 400 रुपये पे, और ये फिर स्टॉक, इसका मतलब यहाँ पे स्पेकुलेशन हुई है और ये स्टॉक जो है स्पेकुलेशन पे चला है, ओनली स्पेकुलेशन, ठीक है। अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसे खास नहीं है स्पेकुलेशन, मतलब ये उसका, इसकी मुझे इतनी ज्यादा फंडामेंटल का पता नहीं है, इसका फ्री फ्लोट वगैरह हो सकता है, फ्री फ्लोट कम हो और ये एक माल कॉर्नर्ड हुआ है और उसको ले गए, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखें इसने, ये वीकली मंथली पे देखें तो यार 30 रुपये भी था एक जमाने में, और काफी एक्यूमुलेशन की, यहीं पे माल मेरे ख्याल से कॉर्नर हुआ है, लोग बेजार हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, बोले इतना चलता नहीं है, 30-31 रुपये या 32 रुपये जाता है। इसके बाद से जो इसमें मूवमेंट आई है और अपसाइड पे इसने दिखाया यहाँ पे 420 रुपये तक, तो बहरहाल अभी इस वक्त देखें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है ये वाला एरिया जो है, इवन ये वाला एरिया भी अच्छा है जो मैंने आपको बताया 95 रुपये का एरिया, ये बहुत अच्छा है 95-96, यहाँ पे आप इसको लेके रख सकते हैं, तो आने वाले दिनों में ये अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है। थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड लाइन भी बना के देखें मंथली पे इधर, तो यहां से अगर शुरू करें, अब जिस हिसाब से इसकी अर्निंग इंप्रूव हुई है तो ये वाला एरिया ये दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, 230 रुपये तक भी जा सकता है, यहाँ पे ये इसका टारगेट हो सकता है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी आपने देखा काफी रहती है, तो ये वाला एरिया रिटेस्ट हो सकता है, ये वाला अगला टारगेट हो सकता है 230 रुपये, यहाँ पे मैं ये इसको टारगेट प्राइस लिख देता हूँ। ओनली स्पेकुलेशन है इसमें, लेकिन चल सकता है ये, क्योंकि इसकी हिस्ट्री रही है स्पेकुलेशन की, स्पेकुलेशन पे चलता है। आप देखें ना जिस तरह से ये अब इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे ये अभी एस सच को देखें आई नहीं है ईयरली, लेकिन क्वार्टरली 5 रुपये आई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये दोबारा स्पेकुलेशन शुरू करेगा। तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वीकली पे, जैसा भी मैंने इसका भी बताया था जीएचजीएल का श्रिंक हो रहा है, तो जीएचजीएल भी यहाँ से बढ़ सकता है और ये भी बढ़ सकता है, तो ये थोड़ा सा लेके रख सकते हैं आप पोर्टफोलियो में। तो मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसमें इतने डिविडेंड वगैरह नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन आपको कैपिटल गेन इसमें अच्छा मिल जाएगा, तो इसको आप लेके इस पे ट्रेड कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी यहाँ पे ये साइडवेज है, और देखें वॉल्यूम देखें तो अभी कुछ दिनों में बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है ना। देखें अभी ये कम आया है नीचे, लेकिन वॉल्यूम कम हुए हैं इसमें, दैट मींस के इसका फ्री फ्लोट कम है, जब भी इस पे कम वॉल्यूम हुए 4,000 2,000, ये देखें ना, ये मैं आपको मंथ का बता रहा हूँ, ये मंथ का बता रहा हूँ कि ये 2K 2.9K 8K इस तरह, मतलब ये 8,000 4,000, ये अब यहाँ से जो है ना ये देखें मंथली पे तो 8,11,000, फिर उसके बाद 4,90,000, तो मंथली पे अब यहाँ पे ये इसने मूवमेंट शुरू कर दी है बहुत अच्छी, तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए डाउन साइड पे, ये लेना चाहिए फॉर टारगेट प्राइस 230, ये टारगेट प्राइस होगा आपका 230। अच्छा नेक्स्ट जो है गुल अहमद GATM, जिसका मैं पहले भी मैंने एनालिसिस शेयर किया था और रेकमेंड भी किया था कि इसको जो है आप अपने पोर्टफोलियो में रखें फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा GATM में देखें यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पेकुलेशन इसका, देखें अभी मंथ का लो देखें, ये मंथ का लो था, ठीक है, और इसमें
ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग है, लेकिन इसको ये डोजी ने निगेट किया और यहाँ से ही अपसाइड अब ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे इस लेवल पे, स्पेशली अगर देखें तो ये वीकली पे मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहले मंथली में आपको बता दूं कि इसके डिविडेंड बोनस बहुत अच्छे रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट जो अभी इसकी आई है वो क्वार्टर की 1.12 रुपए आई है, और ईयरली जो है 6.62 रुपए। तो इसने अभी 20% बोनस भी दिए, और इसके देखें पहले 1.64 रुपए थी और 4.27 रुपए ईयरली था, यहाँ 6 रुपए मतलब थोड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका अब तक का जो हाई था वीकली पे 60.75 रुपए का हाई था इसका, नहीं सबने रिजेक्शन देखी यहाँ पे भी। अच्छा इसका हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, देखें डिविडेंड बोनस अच्छे खासे देता रहा ये, राइट दिया था इसने पहले, यहाँ पे भी राइट दिए 220% पहले 100%, फिर यहाँ 10% डिविडेंड, फिर 25% डिविडेंड, 20% बोनस, 25% डिविडेंड, फिर यहाँ पे 20% बोनस। तो अच्छा मतलब इसकी हिस्ट्री है, और अभी फिर ये जो है यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, और वीकली पे टेक्निकली देखें सीपीआर जो है वो श्रिंक हो रहा है। इसको मैं रिमूव करके आपको बता दूं तो ये एरिया बहुत अच्छा है ये वाला, 19.85 रुपए, ये बाइंग एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए 19.85 रुपए, 90 पैसे, 85 पैसे, ये एरिया बहुत अच्छा है। अभी क्लोजिंग देखें तो 21.75 रुपए की आई है, और 21.78 रुपए जो है इसका अपर बैंड है सीपीआर का। तो होपफुली ये यहाँ से अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है, तो इस स्टॉक को जो है आप डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करें और उसको होल्ड करें, और इसको अगर पोर्टफोलियो में रखें इस रेट पे बहुत अच्छा अच्छा है। और इसको पहले से मैं 30 रुपए से कह रहा था, यहाँ पे डाउन साइड पे थोड़ा 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 रेशनली एक्यूमुलेट करें। तो इसने बोनस भी दिया ऑब्वियसली 20% वहां से, और यहां से अब इसकी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट देखें तो मैं आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता देता हूँ। यहाँ पे हम अगर ट्रेंड लाइन जो है ये ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो ये एरिया जो है 34 रुपए का एरिया, 32 रुपए, 34 रुपए, ये एरिया जो है ट्रेंड लाइन का देखें तो आने वाले दिनों में ये रिटेस्ट हो सकता है ये वाला एरिया। बत्तीस, 33 ये वाला है, फिर ये अगला टारगेट प्राइस जो है ना इसके नेक लाइन पे ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये फिर ये अगला टारगेट प्राइस हो सकता है। तो यहाँ के लिए आप जो है इसको रख सकते हैं, और वैसे भी अगर लॉन्ग टर्म रखे तो अच्छा है, लेकिन टेक्निकली भी यहाँ से ये 33 रुपए, 32 रुपए से यहाँ से लेके ये वाला एरिया जो है 32 रुपए, 33 रुपए से लेके 34 रुपए तक ये आपको इवन ये यहाँ पर भी ये 36 रुपए तक भी दिखा सकता है। तो अभी हमारा टारगेट प्राइस फिलहाल अभी यही होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट प्राइस, ये टारगेट प्राइस होगा हमारा, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि रिसेंटली भी इसने जो है यहाँ पे बोनस अनाउंस किया था, और यहाँ पे ये इसने हाई भी किया था, और अभी 200 पे अगर हम नजर डालें इसका MA 200, तो ये अभी अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जरा ये देखें, ये वाला एरिया जो है अप ट्रेंड एरिया है, ठीक है ना, ये देख लेना ये एरिया, यहाँ बल्कि कर लेते हैं इसको 19.60 रुपए, इसको कई दफा इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे 19.60 रुपए को, फिर इसका इसने ब्रेकआउट दिया। तो 19.20 रुपए से लेके 19.50 तक ये समझ लें, क्योंकि वीक भी बन सकती है नीचे, तो बहुत अच्छा एरिया है इसको। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी फिलहाल पे यहाँ पे डोजीज बन रहे, रिजेक्शन आ सकती है यहाँ पे डेली पे देखें तो, ये अभी इस वक्त 21.78 रुपए को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वहां पे इसकी अभी जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है इसको। तो जब ये यहाँ पे सस्टेन कर लेगा ये 21.78 रुपए को, जैसे फॉर सपोज यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है इस तरह की, जिसमें हम नेटवर्क का बताया था, तो उस एरिया के बाद जो इसने अच्छी खासी 8 रुपए तक मूवमेंट दिखाई, ठीक है, ये एरिया जो है ये ऐसी बुलिश कैंडल बनती है तो फिर अगला टारगेट जो है 25, 50 और 33, 34 रुपए तक भी ये जा सकता है। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें,
और इवन देखिए ये MA 200 जो यहाँ पर भी आ रहा है वीकली पे, ये वाला एरिया भी रिटेस्ट हो सकता है, ये वाला 33 रुपये, वही मैंने आपको जैसे बताया 33 रुपये से लेके 35 रुपये तक, बिटवीन 33 to 35, ये एरिया जो है आने वाले दिनों में रिटेस्ट हो सकता है। तो इसी को मैं तो कह रहे हैं, ये जो मैंने आपके साथ तीनों स्टॉक शेयर किए हैं अभी अपनी लोअर प्राइस पर है, और यहाँ पे जो मैंने आपको एरियाज मेंशन किए हैं, जो लेवल बताए हैं आपको सपोर्ट के और CPR के, तो वहां से थोड़ा थोड़ा रैशनली बाय कर सकते हैं, और सुखा बहुत अच्छे आपको गेन दे सकता है, तो उसको आप जो है कैपिटल गेन के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।